हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम प्लस टू क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का टॉपिक करेंगे इस वी, पूरी वीडियो में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन कर दूंगा तो सिंगल वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से कितनी रेट से करंट फ्लो कर रहा है चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं तो एक्चुअली इन दी वायर देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी मेटेलिक कंडक्टर देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मच चार्ज दे केरी करोस द करोस सैक्शन इन ए सैकेंड रिप्रजेंट्स द वैल्यू ऑफ ए करंट सो करंट इज द इक्वल टू द टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाय टाइम टेकन चार्ज फ्लोइंग अपोन टाइम टेकन क्या वो अपॉन टीक हो बोलेंगे तो देयर इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं बट कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज ओपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली वी कंसीडर द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू टेक द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन देखने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कंसीडर करते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव चार्ज चार्ज ही मूव मूव करता करता, है, पॉजिटिव नहीं करता, बट हम इलेक्ट्रॉन्स की कंसीडर करके चलते हैं कर रहा है, तो उसकी वजह uh, e e तो से वैल्यू को एन इंटू ई पुट किया एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज सिंगल इलेक्ट्रॉन तो करंट के यूनिट्स है जब चार्ज फ्लो करेगा एक सेकंड में अगर एक कुलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट को हम वन एम्पियर बोलेंगे देन नेक्स्ट ड्रीफ्ट वेलोसिटी। ड्रीफ्ट वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टड इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपलाइडी कंडक्टर तो कंडक्टर में शुरू में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिग जैग वे में मूव कर रहे होते हैं फ्री आर इन रैंडम मोशन होते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी तो जिस वेलोसिटी से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो एवरेजी जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में ड्रीफ्ट हो जाएंगे एक डायरेक्शन में खिंच जाएंगे उस विलोस्टी को हम ड्रीफ्टी बोलते हैं उस एवरेजी को विद ये आर ड्रीफ्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या ओपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स गेट इन इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ओपोजिट टू दीट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस विस्टी को हम ड्रीफ्टिलोस्टी बोलते हैं तो हाउ टू कैलकुलेट दैट वो हम अब करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली थर्मल एनर्जी की मोशन में हैं तो उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो जीरो होगी क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे इफ़ वी कंसीडर यू वन यू टू यू एन आर इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ दीज एन इलेक्ट्रॉन्स देन यू एवरेज इज़ जीरो तो वैन वी इज़ अप्लाइड मीन्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन साइड दी कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेटअप हो जाएगी पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तो और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ये V वाई एल बोल सकते हैं पोटेंशियल अप्लाइड अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज़ द फोर्स ओन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू दी ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस ये साइन क्यों है क्योंकि फोर्स इज ओपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस फोर्स गिव्स द एक्सेलरेशन टू द इलेक्ट्रॉन दैट एक्सरलेशन इज इक्ल टू दास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सरलेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ला एंड एक्सरलेशन जो हमारे पास आ जाएगी ए वैक्टर इज इक्ल टू द माइनस ई कैपिटल ई वैक्टर अपॉन एम तो इसके बाद ये समझने वाली चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सरलेशन मिल चुकी है बट जो वायर है उसमें ये पॉजिटिव चार्ज आयन्स भी हैं जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सरलेट होने के बाद स्ट्राइक करेगा एक पॉजिटिव आयन से दूसरे पॉजिटिव आयन के बीच ही वो एक्सरलेट हो रहा है फर्दर क्वीजन के बाद वो फिर से एक न्यू न्यूस्टी से अपने आप को स्टार्ट करेगा फिर से वो यू से ही अपने आप को स्टार्ट करेगा बिकॉज क्लीजन के बाद एक बार उसका जिगजैग वे, वे से मोशन हो जाएगा जिगजैग वे मोशन होने के कारण उसके बाद वो फर्दर एक्सरलेशन फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड से लेता जाएगा तो एवरी क्लीजन के बाद वो अपनी वी को लॉस करके यू पे आएगा तो उसका एक्सरलेशन टाइम पीरियड क्या होगा सिर्फ ये शॉर्ट इंटरवल बिटवीन दीज टू इस शोर्ट टाइम के लिए ही उसको एक्सरलेशन मिलेगी इलेक्ट्रॉन को दो क्लीजन के बीच वाली जगह में ही उसको एक्सरलेशन मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सरेटेड बट गेन्स वेलोसिटी फॉर शॉर्ट टाइम द शॉर्ट टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन एक्सरलेट बिफोर इट अंडरगो कोलिजन विद पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम वो शॉर्ट टाइम जिसके लिए उसको एक्सरलेशन मिली पॉजिटिव आयन से कोलाइड करने के पहले पहले तक उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं तो कोलिजन विद पॉजिटिव आयन एंड स्टार्ट विद फ्रेश यू जब वो पॉजिटिव आयन से स्ट्राइक कर जाएगा तो उसके फ्रेश यू से द्वारा स्टार्ट करेगा तो वेयर यू इज़ द रैंडम थर्मल वेलोसिटी

तो इनकी अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें वी डी वैक्टर निकालें तो देन वी एवरेज इज इक्वल टू दी वन प्लस वी टू प्लस वी एन अपोन एन तो इनमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे यू वन ए वैक्टर प्लस ए टाव वन इनकी एवरेज निकाल रहे हैं हम वी वन वी टू वी एन की वैल्यूज़ पुट करके उसको एन से डिवाइड कर दिया तो इसमें से यू वन यू टू यू एन टर्म्स को अलग कर लेंगे और ए वैक्टर और बाकी टर्म्स को अलग कर लेंगे तो दिस टर्म बिकम्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड दिसम इज जीरो एंड जो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा ओ वैक्टर प्लस जीरो वैक्टर प्लस ए वैक्टर टा तो ए की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पहले निकाली थी तो दिस इज द ड्रीफ्ट ब्लोस्टी ड्रीफ्ट ब्लोस्टी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ओपोजिट है एंड इज इक्वल ई वैक्टर अपोन एम इन टू टाउ दैन नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रीफ्टिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रीफ्टिटी के बीच रिलेशन तो हमने एक कंडक्टर कंसिडर किया जिसकी के लेंथ एल है वी उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रोप अप्लाई किया है एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप एंड ए इज द एरिया ऑफ दिस फायर एंड वी डी इज द ड्रीफ्ट वलोसिटी एवरेज ड्रीफ्ट वलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन साइड द कंडक्टर दैन एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ए एंड एल आ

टाइम इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस लेंथ ऑफ दी कंडक्टर अपॉन ड्रीफ टोस्टी उसने ड्रीफ टब्लोस्टी से ये रास्ते को क्रॉस करना है एल लेंथ को देन हमें पता है करंट इज इक्वल टू द क्याऊ अपन टी क्याऊ की वैल्यू यहाँ से पुट की हमने एंड टी की वैल्यू यहाँ से पुट की तो एल से एल कटने के बाद हमारे पास आई की वैल्यू ये आ गई एन ए वी डी ई ये आपको ध्यान में रखनी है करंट इज इक्वल टू दी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी डी इज द ड्रीफ्टिटी वेलोसिटी इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन देन अगर हम फर्दर वी डी की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा एन ए ई स्केयर टाओ ई अपॉन एम वेयर वी डी इज इक्वल टू दी ई ये उसकी वी डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा दिस रिलेशन इज फॉर द इलेक्ट्रिक करंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्केयर रिलैक्सेशन टाइम ई एंड एम तो हमें पता लगा कि रिलैक्सेशन टाइम के प्रोपोर्शनल है हमारा करंट देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इट इज़ द ड्रीफ्ट वेलोसिटी क्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यूनिट ड्रीफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दें तो वो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हमें बताएगा तो जैसे हमने किया था आई इज इक्वल टू दी एन ए वी डी ई तो वी डी की जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे हम उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं दैट इज म्यू इन टू ई तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के यूनिट्स क्या होंगे हम वेलोसिटी के यूनिट बढ़ेंगे मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट बढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर तो इनको कंबाइन करने के बाद ये यूनिट्स आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के मीटर स्केयर वी माइनस वन एस माइनस वन देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट तो हमें पता है करंट डेंसिटी क्या है करंट डेंसिटी जे जे से रिप्रेजेंट करते हैं उसको करंट डेंसिटी इज़ द रेशो ऑफ करंट अपॉन एरिया करंट को एरिया से डिवाइड कर दें करंट डेंसिटी आ जाती है एंड करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी विच इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी के डॉट प्रोडक्ट को हम करंट बोलते हैं अगर हमने स्मॉल एरिया वायर में ए स्मॉल एरिया दिया हुआ है डी ए डी ए स्मॉल एरिया एंड इस एरिया में हमें करंट डेंसिटी की वैल्यू जे वैक्टर दी हुई है तो स्मॉल करंट थ्रू दिस एरिया इज इक्वल टू दी जे वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर एंड टोटल करंट निकालने के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एंड फाइनली हमने जे का रिलेशन निकालना है अगर तो जे इज़ इक्वल टू दी आई अपॉन ए हमने अभी बताया आई अपॉन ए आई की वैल्यू पुट की ए की वैल्यू पुट की तो फाइनली जेगी एन वी डी ई एंड वी डी की वैल्यू पुट करने के बाद ये जे का रिलेशन आ जाएगा एन ई स्केयर टाओ ई अपॉन एम तो ये आपको ध्यान में रखना है देन नेक्स्ट ओम्स ओम्स ओमस्ला स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड क्रॉस इट

तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द रेशियो हो गई पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की तो रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द ओपोजिशन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज बाय दी पर्टिकुलर मटेरियल वो मटेरियल कितनी ऑब्स्ट्रक्शन कितनी ओपोजिशन देता है फ्लो ऑफ चार्ज को उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं तो फाइनली रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या हैं ओम ओम में इसको मैयर करते हैं वन ओम इज वन वोल्ट अपॉन वन अम्पियर रजिस्टेंस एक ओम होगी अगर एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर एक अम्पियर करंट फ्लो हो रहा है देन रेजिस्टेंस का कोज क्या है मटेरियल में रेजिस्टेंस का कोज है एज इलेक्ट्रॉन मूव दे कोलाइड अगेंस्ट पॉजिटिव आयंस तो पॉजिटिव आयंस कर्नल्स जो हैं मटेरियल में पॉजिटिव आयंस जो हैं मटेरियल में वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को ये पॉजिटिव आयंस जो हैं वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं दैट मीन्स द दीज पॉजिटिव आयंस कोलिजन जो है वो रेजिस्टेंस the, का मेन कारण है द कोलाइड अगेंस्ट पॉजिटिव आयंस एंड द मोशन इज अपोज दिस ओपोजिशन ऑफड बाई पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस फेलर ऑफ ओम्सला तो फेलर ओमस्ला ने तो वी इज इक्वल टू आई आर बोल दिया वी प्रोपोर्शनल टू आई बोल दिया कि वी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा इन लीनियरली लीनियर रिलेशनशिप दे दिया उसने बट ये कई जगह पर फेल होता है अगर हम बात करें कि ड्यू टू हीटिंग जैसे जैसे करंट पास होता है किसी वायर से वो हीट होना शुरू हो जाती है और हीटिंग के वजह से उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है ये कर्व की स्लोप एवरी पॉइंट पे इंक्रीज़ होगी अगर इस कर्व की स्लोप एवरी पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है मीन्स वी बाई आई रेशो आर इंक्रीज़ हो रही है दैट इज़ द स्लोप ऑफ दिस कर्व तो ये डायरेक्ट रिलेशन हम नॉन लीनियर हो जाएगा तो जहाँ पर ओमसला हमारा फेल हो रहा है तो पी एन जंक्शन की अगर बात करें फॉरवर्ड बेस में उसमें अलग रिलेशन है रिवर्स बेस में अलग रिलेशन है और ये रिलेशन भी लीनियर नहीं है तो पी एन जंक्शन में भी ओमसला फेल हो जाता है एंड इन केस ऑफ थायरिस्टर्स देयर इज़ एज़ वी इंक्रीज द पोटेंशियल करंट डिक्रीज और एज़ वी इंक्रीज द पोटेंशियल करंट डिक्रीज़ एज एज वी डिक्रीज द पोटेंशियल करंट इंक्रीजेज तो यहाँ पर उल्ट रिलेशन हो जाता है थायरिस्टर्स के केस में तो यहाँ पर भी ओंसला फ़ेल हो जाता है दैन रजिस्टिविटी वट इज रजिस्टिविटी इट इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आल्थो कॉल द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रजिस्टेंस वी नो द प्रपोर्शनल टू देंथ ऑफ द कंडक्टर इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर पी एन जंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे पी एन जंक्शन पर ओम सलाह नहीं अप्लाई होता आर प्रपोर्शनल टू एल आर प्रपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द एरिया देन इन दोनों को कंबाइन करेंगे आर प्रोपोर्शनल टू एल ओपोन ए आ जाएगा तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद हमारे पास ये कॉन्स्टेंट आएगा रेजिस्टिविटी रो इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं आर इज इक्व टू द रो एलअपोन ए एक्चुअली जितना कंडक्टर लंबा होगा जितनी कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा रजिस्टेंस होगी जितना करंट का कंडक्टर uh, का एरिया बड़ा होगा जितनी मो, uh, मतलब वायर मोटी होगी तो उतना ही उसको इलेक्ट्रॉन्स uh, को फ्लो करना ईजी होगा तो इसलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है अगर करंट वायर हमारी पतली है तो इलेक्ट्रॉन्स uh, को फ्लो कर, करने के लिए उतना ही एरिया कम मिलेगा इसलिए रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगी तो जहां पर जो कांस्टेंट आएगा रो उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं तो अगर एल इज इक्वल टू वन हो एरिया इज इक्वल टू वन हो तो रो इज इक्वल टू आर आ जाएगा दैट मीनस द रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रजिसटेंस इज द रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटीरियल आर सच दैट इट्स लेंथ इज यूनिटी इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिटी रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटीरियल ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैन फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टिविटी तो रजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एज वी नो ड्रीफ्टी इज इकडोन टाओ इन एम एंड आई इज इक्वल टू द एन ए वी डी ई वेयर वी डी इज इक्वल टू दी वी डी की वैल्यू हमने पुट की तो ये रिलेशन हमने निकाला था करंट का विद दीज पैरामीटर्स तो यहाँ पर अगर हम पुट कर दें ई इज़ इक्वल टू दी वोल्टेज ड्रॉप ओपोन एल तो ये रिलेशन ये बन जाएगा ये वाला फर्स्ट रिलेशन ये बन जाएगा इस रिलेशन को बनने के बाद हमने यहाँ से वी ओपोन आई को अलग कर लिया तो ये फाइनल रिलेशन हमारे पास आ गया एम एल एन ई स्केयर टाओ वी ए एंड इस टर्म को अगर हम बी बोन आई को ओमसला से कंपेयर करें तो दैट इज इक्वल टू दी आर तो आर रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई एम एन ई स्केयर टाओ एल अपोन ए तो यहाँ से रिजिस्टिविटी के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो रिजिस्टिविटी हमारे पास ये आ जाएगी एम अपोन एन ई स्केयर टाओ तो यहाँ पर एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ई स्केयर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्केयर एंड टाओ इज द रिलेक्शे टाइम तो जहाँ से हमने दो बातें सीखी रो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेक्शे टाइम दो चीज़ों के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसमें से हम फर्स्ट करेंगे फर्स्ट इज द रो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर तो ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगी मोलिक्यूल्स तेजी से कोलाइड होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो रहा है अगर रिलैक्शेसन टाइम कम हो रहा है तो रजिस्टिविस रजिस्टिविटी बढ़ेगी सो रजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज होने से वाइब्रेशन तेजी से होंगी कोलिजन तेजी से होगा कोलिजन जल्दी से हो रहा है उसकी वजह से हमारा टाव डिक्रीज़ करेगा टेम्परेचर बढ़ने से एंड रजिस्टेंस रजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी सो रजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के इन केस ऑफ कंडक्टर्स देन नेक्स्ट रजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी तो अब हम बात करेंगे रजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ए करंट डेंसिटी तो जैसे हमने करंट डेंसिटी की टर्म पढ़ी थी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू दिस वन तो यहाँ से अगर हम e बाई j को अलग कर लें और e बाय j की वैल्यू हमारे पास एम ई एन ई स्केयर इज़ इक्वल टू टाओ जो हम पहले बात करके चुके हैं तो सो रजिस्टिविटी इज इक्वल टू द ई अपॉन जे इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी इज इक्वल टू दी रेजिस्टिविटी ये हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी इज इक्वल टू दी रेजिस्टिविटी ये रिलेशन हमारा करंट डेंसिटी के रिलेशन से ही बनाया है हमने तो इसको रेजिस्टिविटी की वैल्यू से कंपेयर करके ये बना है रजिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हमें आई की ये वैल्यू पता है आई ई फोन ए करेंगे तो यहाँ से एन ई वी डी आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू जे तो रो इज़ इक्वल टू रो हम पहले राइट करके चुके हैं ई फोन जे था तो जे की ये वैल्यू बुट कर दी एन ई वी डी तो रो इज़ इक्वल टू द ईयर वी डी को हमने पुट कर दिया म्यू मोबिलिटी सो रो इज़ इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या रजिस्टिविटी जो है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के इन्वर्सली प्रपोर्शनल है ये भी आपको याद रखना है तो फाइनल रिलेशन हमारे पास ये दो आ गए वी डी जो ड्रीफ्ट विलोस्टी है इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रजिस्टिविटी एंड ड्रीफ्ट विलोस्टी आल्सो इनवर्सली प्रपोर्सनल टू देंथ ऑफ द कंडक्टर ये हमें रिलेशन यहाँ से मिला वी डी इज इक्वल टू द ईयर पोन एनी टाओ एन ई e upon एन ई रो ई अपोन एन ई रो एंड ई की हमने वैल्यू पुट की वी अपोन एल वी अपोन एल पुट करने से यहाँ से हमें ये दोनों रिलेशन मिले ड्रीफ्ट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी एंड वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देंथ ऑफ द कंडक्टर ये आपको दोनों रिलेशन भी ध्यान में रखने हैं Then conductance and conductivity reciprocal of resistance is called conductance and reciprocal of resistivity is called conductivity यूनिट्स इसके रेजिस्टेंस uh, कंडक्टेंस uh, के यूनिट्स सीमन और ओम नेगेटिव एंड रेजिस्टिविटी के कंडक्टिविटी के यूनिट्स जो ओम नेगेटिव मीटर नेगेटिव और सीमन पर मीटर नेगेटिव देन ओम नेगेटिव ओम की पावर माइनस वन सॉरी ओम की पावर माइनस वन एम की पावर माइनस वन ओम की पावर माइनस वन तो ओम की पावर माइनस वन को हम एम एच ओ भी बोल देते हैं डिपेंडेंस तो अब हम पढ़ेंगे केस ऑफ कंडक्टर्सोज एंड इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स तो फर्स्टली मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए हम पहले भी बात करके चुके हैं इनकेस ऑफ दी मेटेलिक कंडक्टर्स Rho is proportional to the relax uh, inversely proportional to the re relaxation time. As temperature increases, free electrons collide more frequently with vibrating positive ions, and tau decreases. Agar, uh हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तेजी से कोलाइड करेंगे वाइब्रेटिंग पॉजिटिव आयंस के साथ तो टाव जो है हमारा वो क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा दो क्वालिज के बीच वाला टाइम कम हो जाएगा तो अगर वो टाइम कम हो गया तो हमारी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी सो इन केस ऑफ कंडक्टर्स रजिस्टिविटी इज इंक्रीजिज विद टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है सो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस इंक्रीज विद टेम्परेचर तो अगर हम मान लें कि रो द अगर टाओ कम हुआ रो बढ़ गई टेम्परेचर भी बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ने से टाओ कम हुआ और रो भी बढ़ गई रो रजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर रो टी हमने कंसीडर की रो टी एंड जो डिफरेंस आया चेंज इन रजिस्टिविटी दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रजिस्टेंस इनिशियल रजिस्टिविटी टेम्परेचर इन चेंज तो दोनों को कंबाइन किया यहाँ पर पहुँच गए और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद यहाँ पर एक अल्फा कॉन्सटेंट आ गया दैट इज़ द टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस एल्फा रो टी माइनस रो ज़ीरो इज द चेंज इन रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर टी एंड दिस इज़ इक्वल टू द एल्फा रो नोट टी यहां से हमने रो टी की वैल्यू निकाल ली दैट इज रो नोट को इधर ले गए तो यहां से रो नोट को बाहर लिखा वन प्लस एल्फा टी एंड वी कैन आल्सो मल्टीप्लाई दिस फैक्टर बाय एल इन टू एल अपोन ए एल अपोन ए से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा आर टी इज इक्वल आर नोट वन प्लस एल्फा टी आर नोट वन प्लस एल्फा टी तो वेयर अगर हम एल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो आ जाएगी आर टी माइनस आर नोट आर नोट अपोन टी आइर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो टी माइनस रो नोट अपोन रो नोट इन टू टी ये अल्फा की वैल्यू इस रिलेशन से आ जाएगी तो दिस इज़ द टेम्परेचर कोफिशंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विच टेल्स दैट के ये हमें क्या बताता है टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस कि कितनी रेजिस्टेंस चेंज होगी चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट औरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर किसी एक ओम की रजिस्टेंस जो कोई मटीरियल है उसकी एक ओम रेजिस्टेंस है अगर उसका एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा ये अल्फ़ा हमें बताता है किसी पर्टिकुलर मटी मटीरियल के लिए ठीक है देन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ एन अलोए अलोए के केस में ये टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे हम डिफाइन करते हैं इन केस ऑफ अलोए सच एज नाइक्रोम मैंगनीन रो इज़ वेरी लार्ज जो रेजिस्टिविटी है इनकी काफ़ी लार्ज होती है एंड इज़ वीकली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस बहुत वीक है सो देर टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो इन केस ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलोए इन केस ऑफ अलो इज टेम्परेचर डिपेंडेंस इज़ वेरी लो ऑफ द रजिस्टिविटी सो इट्स टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी हैज़ वेरी लो वैल्यू तो इसकी लो वैल्यू के बारे का यूज़ क्या है इसीलिए मैंगनीन को स्टैंडर्ड रजिस्टेंस कॉयल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंस इज़ वेरी लो तो इसको हम किसी भी इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं ट्वेंटी डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री पे इसकी रजिस्टेंस uh, जो है हम उस, उसको कॉन्स्टेंट अज्यूम कर सकते हैं सो so, इसलिए अलोइज को स्टैंडर्ड रजिस्टेंस कॉयल बनाने के लिए यूज़ करते हैं देन टेम्परेचर अलोज़ की आपको याद रखना है रजिस्टिविटी लार्ज होती है और टेम्परेचर डिपेंडेंस कम होती है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स तो इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स में एक टर्म आती है तो हम पहले उसका रिलेशन करते हैं रजिस्टिविटी का रोनोट ई जी अपॉन के टी वेयर रोनोट इज द टेम्परे रजिस्टिविटी एट जीरो डिग्री सेल्सियस ई जी इज द फोरबिडन अनर्जी गैप जो हमने सेमी कंडक्टर के चैप्टर में भी करेंगे फोरबिडन अनर्जी गैप इज़ द अनर्जी गैप बिटवीन द वेलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड Forbidden energy gap is the energy gap between the valence band and conduction band, where K is the Boltzmann constant and T is the change in temperature at a particular temperature. Then, at low temperature, semiconductor and insulator are non conducting.

मेड ऑफ सैमी कंडक्टिंग मटीरियल सेमी कंडक्टिंग मटीरियल से हीट सेंसिटिव रिजिस्टर हम बनाते हैं सच दैट इट्स रजिस्टेंस वेरीज अप्रिशियेबली विद चेंज इन टेम्परेचर इनकी जो रिजिस्टेंस है वो अप्रीशियेबली चेंज करती है विद टेम्परेचर हम थोड़ा जा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इसकी रिजिटेंस जो है अप्रीशियेबल चेंज दिखाती है तो इसको टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स में यूज़ किया जाता है एज ए टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट में इसको हम यूज़ करते हैं सुपर कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर्स द प्रोसेस ड्यू टू विच द सब्सटेंस लोसिस ऑल साइंस ऑफ रजिस्टेंस जिस प्रोसेस की वजह से सबस्टांस अपने सारे रजिस्टेंस के साइन को ख़त्म करती है व्हेन कूल टू क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी उसको हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं कि अपनी सारी रजिस्टेंस को लॉस कर देना जब उसको कूल किया गया क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नहीं थी। द सबस्टांसिस विच ओफर सुपर कनेक्टिविटी आर कल सुपर कंडक्टर्स इसकी एक एग्जाम्पल मरकरी भी है मरकरी एट ए फोर फोर कैलविन आई थिंक द एक्चुअल क्रिटिकल टेम्परेचर आपको चेक करना होगा तो ये सुपर कनेक्टिविटी बिहेवियर दिखाती है वेन कूल्ड बिलो दिस क्रिटिकल टेम्परेचर इसकी रेजिस्टेंस जो सडनली जीरो पर आ जाती है और ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसिस तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमने ये छोटी छोटी रेजिस्टेंसेज कई अप्रेटिस में लगी देखी होगी तो इसकी हम कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे इसके इसके लिए हमने पहले ये पहले ये लाइन याद करनी है बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ तो इसमें बी पहली का मतलब ब्लैक सेकेंड का मतलब ब्राउन थर्ड का मतलब रेड फोर्थ का मतलब ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वोइलेट ग्रे वाइट तो इनको हम मल्टीप्लायर और ये डिजिट्स पहले आपने याद रखने हैं जीरो वन टू थ्री नाइन तक इनको हम देते हैं एंड मल्टीप्लायर इनको देते हैं टेन रेज टू पावर ज़ीरो टेन रेज टू पावर वन टेन रेज टू पावर टू सोन एंड अगर फोर्थ बैंड का कलर जो गोल्ड सिल्वर और नो no कलर दिया हुआ है तो नो no कलर के लिए ट्वेंटी परसेंट गोल्ड के लिए फाइव परसेंट सिल्वर के लिए टेन परसेंट सिल्वर के लिए टेन परसेंट यूज़ करते हैं तो इन चार बैंड्स हमें दिए होते हैं ए बी सी डी इन ए बी सी डी के कलर से हम उसकी रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस तो वो हम इस एग्जांपल में देखते हैं मान लीजिए हमारे पास ऑरेंज येलो ग्रीन सिल्वर ये चार बैंड्स के कलर दिए हुए हैं तो ऑरेंज कलर के अकॉर्डिंग उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो कितना होगा थ्री येलो कलर कलर के कोरोस्पोंडिंग उसका सेकेंड डिजिट क्या होगा फोर एंड ग्रीन कलर के कोरोस्पॉन्डिंग उसका मल्टीप्लायर कितना होगा टेन रेस टू बावर फाइव तो ये रेजिस्टेंस निकलेगी ओम में तो इसको ओम में हम लिखेंगे प्लस माइनस इसका फोर्थ कलर जो है वो सिल्वर तो सिल्वर के अकॉर्डिंग इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी प्लस माइनस टेन परसेंट तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे भी दिया हो सकता है थर्टी फोर प्लस माइनस थ्री पॉइंट फोर मीन्स टेन परसेंट किलो ओम इं टू टेन रेज टू पावर टू इन टू टेन रेज टू पावर टू किलो ओम तो किलो को पहले आपने ओम में कन्वर्ट करने के लिए टेन रेज टू पावर थ्री से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पहुँचेंगे थर्टी फोर इंटू टेन रेज टू पावर फाइव प्लस माइनस टेन परसेंट तो वहाँ से आप इसके कलर भी पहचान सकते हैं थ्री के कोरोस्पॉन्डिंग ऑरेंज फोर के कोरोस्पॉन्डिंग येलो टेन रेज टू पावर फाइव के कोरोस्पॉन्डिंग ग्रीन एंड टेन परसेंट के कोरोस्पॉ सिल्वर तो ऐसे आप पहचान सकते हैं तो ये एग्जाम्पल्स आपको सोल्व करनी है इनके आपको कलर्स लिखने हैं देन नेक्स्ट रजिस्टेंस इन सीरीज तो जब हम रजिस्टेंसिस को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या निकलता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो क्योंकि इसमें वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट uh, हो जाती है वीजिकल टू वी वन वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री तो इसमें पुट करके ये आ जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का रिलेशन रजिस्टेंस इन सीरीज़ में आपको एक बात याद रखनी है जो इसका रिजल्टेंट होगा इज ग्रेटर दैन दी ग्रेटेस्ट ऑफ दी थ्री वैल्यूज़ तो जैसे हम हंड्रेड ओम टेन ओम और वन ओम को सीरीज़ में लगा रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हंड्रेड से ज़्यादा होगा डायरेक्टली एड करने हैं रजिस्टेंस इज़ इन पैरलर जब हम पैरलर में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है एट ए जंक्शन आई वन आई टू आई थ्री में तो इस केस में वोल्टेज सभी के एक सेम रहती है पैदलर कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सभी को एक जैसी मिलती है करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसके फायदे बहुत हैं पैदलर सर्किट के हम अकेली रेजिस्टेंस को अलग अलग स्विच दे सकते हैं अकेली रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस के ख़राब होने से बाकी रेजिस्टेंस के चलने पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा तो सभी को वोल्टेज भी सेम मिल रही है तो ये हाउस होल्ड एप्लीकेशन में हम रेजिस्टेंसेस इन पैरलर ही यूज़ करते हैं तो इस केस में जो रिजल्टेंट है वो हमारा ऐसे निकलेगा वन पोन आर पी वन पोन आर वन प्लस वन पोन आर टू प्लस वन पोन आर थ्री तो इसमें आपको याद रखना है रिजल्टेंट ऑफ दी पैरलर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेसर देन दी लेसर वैल्यू जैसे हमने हंड्रेड टेन और वन यूज कर रहे हैं हंड्रेड टेन और वन ओम की रिजिस्टेंस को पैरलर में लगा दिया तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वन से भी छोटा आएगा ये आपको याद रखना है कि छोटी वैल्यू से भी छोटा रिजल्टेंट निकलेगा इसका देन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी सेल तो ये हम पढ़ेंगे इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ दी सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू इट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू इट उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं ईएमएफ इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट इसके यूनिट्स वोल्ट होंगे ईएमएफ सेल इज 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म बाय सेल टू ड्राइव 1 कूलम ऑफ चार्ज अराउंड दी सर्किट जब कोई सेल जो है वो 1 जूल का वर्क करता है 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए तो उसकी ईएमएफ को हम 1 वोल्ट बोलेंगे अगर वो 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज बेकार

तो जब ओपन सर्किट होगा तो सेल के करोस जो वोल्ट मीटर लगाए वो रीडिंग किसकी देगा ई एम एफ की जब क्लोज सर्किट होगा तो सेल के क्रॉस जो वोल्ट मीटर लगाए वो किसकी रीडिंग देगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की देन इन केस ऑफ क्लोज सर्किट आर एंड आर आर इन सीरीज क्लोज सर्किट के केस में जो ये आर रेजिस्टेंस है एंड दिस रेजिस्टेंस आर इन सीरीज में है ये दोनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी आर प्लस आर आर प्लस आर हो जाएगी इन केस ऑफ ए क्लोज सर्कट आर एंड आर इन सीरीज तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आर प्लस आर हो जाएगी आई इज इक्वल टू ई अपोन आर प्लस आर ओम स्ला के अकॉर्डिंग करंट इज इक्वल टू द ई एम एफ अपोन जो टोटल उसकी ई एम एफ है अपॉन आर प्लस आर टोटल रेजिस्टेंस एंड यहाँ से अगर हम बात करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की दैट इज इक्वल टू द ई एम एफ माइनस आई आर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ई से कितना कम है करंट इन इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सेल वी इज़ लेस देन ई बाई आई आर पोटेंशियल ड्रॉप करोस आर ये इसको हम लोस्ट वोल्टेज बोलते हैं वी हमें बाहर कम मिलती है सेल की ओपन सर्किट में ई e है जब उसको हम क्लोज कर दिया तो उसके इंटरनली भी करंट फ्लो करने लगता है जिसकी वजह से उसकी आई आर जो रजिस्टेंस है वो अंदर ही वेस्ट लोस्ट हो जाती है तो बाहर कितनी मिल पाती है ई माइनस आई आर तो ये आपको ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू होम्सला वी इज इक्वल टू दी आई आई इंटू आर तो अब हम क्या करेंगे फ्रॉम वन एंड थ्री वन एंड थ्री को देखने से हमें क्या पता लगेगा V इज इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ई पोन आर प्लस आर इंटू आर ये पुट करने के बाद हमारे पास आर प्लस आर की वैल्यू आ गई पोन वी इन टू आर ईअपोन वी इन टू आर देन आर इज इक्वल टू दाई वी आर माइनस आर ई बाई वी माइनस वन इंटू आर ये हमारे पास आ जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल इज इक्वल टू दी ई बाई वी माइनस वन इंटू आर ये हमारा रिलेशन आ जाएगा ई बाई वी माइनस वन इन टू आर देन नेक्स्ट सेल्स इन पैरलर सेल्स इन सीरीज तो हम सेल्स को अटैच करने जा रहे हैं जब सेल्स को हम पैरलर में जोड़ते हैं तो उस वक्त हमें जो टोटल ईएमएफ है वो ई e ही मिलेगी सभी सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स कम्स इन पैरलर सभी सेल्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरलर में आ चुकी है एंड इसकी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास आर बाई एम आ जाएगी जब को हमने पैरलर में जोड़ा हुआ है आर बाई एम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई देन नेक्स्ट तो करंट थ्रू दिस सर्कट इज इक्वल टू दोन आर प्लस आर डैश आर प्लस आर डैश टोटल रेजिस्टेंस ई फोन आर प्लस आर फोन एम अगर आर आर जो बड़ी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ी है एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल्स देन करंट हमारा इसके इक्वल आ जाएगा ईयपोन e आर अगर हमारी आर जो छोटी है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू तो हमारा करंट इसके इक्वल आ जाएगा मीन्स एम टाइम्स का करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल सिंगल सेल की वजह से जो करंट था उसका एम टाइम्स हो गया इस केस में इस केस में उसका एम टाइम्स हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे सो इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम करंट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरलर व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सर्किट इज नग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल अगर करंट से, को हमने मैक्सिमम करना है सर्किट में से सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरलर व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल्स तो इस तरीके से हम करंट को बढ़ा सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ दी सेल्स में सेल्स इन सीरीज़ की बात करेंगे सेल्स इन सीरीज़ में हमने सभी सेल्स को सीरीज़ में जोड़ा तो उसकी टोटल ई एम एफ एड होगी रजिस्टेंस भी ऐड होगी टोटल रजिस्टेंस एन आर प्लस आर बन जाएगी तो करंट हमारे पास ये आ जाएगा इसमें अगर हम बात करें अगर आर बहुत छोटा है एन आर के कम्पेरेटिव तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल का आंसर आ जाएगा अगर आर बहुत बड़ा है एन आर के कम्पेरेटिव तो हमारे पास ये आ जाएगा एन टाइम्स करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल तो एन टाइम्स आ रहा है करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमने आई को मैक्सिमम करना है सेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टूट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर विच इज़ वेरी हाई कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल अगर आर जो है वो बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से तो हम सेल्स को सीरीज में एड करते हैं करंट की वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए और पैरलर के केस में क्या करते हैं सेल्स को तब हम पैरलर में जोड़ेंगे अगर हमारी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल्स जो अगर हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल्स के मुताबिक निग्लिजिबल है फिर हम सेल्स को पैरलर में जोड़ेंगे अगर हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स तब हम सेल्स को सीरीज में जोड़ेंगे करंट को मैक्सिमम करने के लिए तो यहाँ पर मैंने मिक्सड ग्रुपिंग का ये दे रखा है इसको आपने खुद से एक बार देख लेना है मिक्सड ग्रुपिंग वाले को समझ लेना है एक बार मिक्सड ग्रुपिंग में हमने सेल्स को सीरीज और पैरलर दोनों में जोड़ा है एक रो में एन सेल्स जोड़ के वैसी एम रोज बना दी और इसकी कैलकुलेशन आपने देखी तो करंट को मैक्सिमम करना हमारा मेन मोटिव है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज करंट हमने क्या किया ये आपको इसमें से पढ़ना है इसको आपने खुद से समझिएगा तो नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक में हम आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं दैट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वी आई एंड टी वोल्टेज करंट एंड टाइम को मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई सर्किट में वो आ जाएगी तो वी की वैल्यू को अगर हम आई आर पुट करते हैं तो हमारे पास ये ई e का रिलेशन आ जाएगा आई स्केयर आर टी दिस ऐसा रिलेशन हमने जॉल्स सीटिंग लॉ में भी देखा है अगर किसी हीटिंग रोड में से हम हीट uh, प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू करंट फ्लोइंग दैट हीट प्रोड्यूसिंग इज इक्वल टू द आई स्केयर आर टी वो करंट के स्केयर पर डिपेंडेंट होगी इन रेजिस्टेंस रिजिस्टेंस टाइम होगी तो ये रिलेशन हीटिंग रोड्स के फा नमेरिकल्स पर अप्लाई होता है एच इज इक्वल टू दी आई स्केर आर टी देन इसके यूनिट्स क्या होंगे जाउल होंगे जाउल इज इक्वल दी वन वोल्ट वन एम्पीयर वन सेकेंड अगर आ, कोई एक वोल्ट की बैटरी एक एम्पियर का करंट एक सेकंड के लिए किसी सर्किट में फ्लो करवाती है तो उसकी एक जाउल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाएगी तो इसके एक और भी यूनिट्स हैं किलोवाट आर जो मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक uh, पावर पहले एक्सप्लेन करते हैं पावर कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ई अपॉन टी वेयर दिस इज़ इक्व द वी इंटू आई एंड वी इज इक्लो द आई इन आर आई स्केयर आर आ जाएगा तो आई की वैल्यू को हम ऐसे भी यहाँ से पुट कर सकते हैं वी अपॉन आर तो वी स्केयर अपॉन आर तो ये दोनों रिलेशन ट्रू है आई स्केयर आर भी वी स्केयर अपॉन आर भी अगर जहाँ पर हम आई की वैल्यू पुट करते वी अपॉन आर तो यहाँ पर पहुँच जाते वी इज इक्लो दी वी केयर अपॉन आर आई स्केयर इंटू आर तो वी इन टू आई आई स्केयर आर वी स्केयर पोन आर ये पावर के रिलेशनशिप हैं और इनको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी के रिलेशनशिप्स आते हैं तो यूनिट्स इसके क्या है वाट वन वाट इज इक्लो दी वन वोल्ट इनटू वन एम्पियर अगर कोई एक वोल्ट की बैटरी एक एम्पियर का करंट सेंड कर रही है तो उसकी कितनी पावर है वन वाट तो इसके बिग्गर यूनिट्स क्या हैं अगर हमने एक जाउल एनर्जी किसी बैटरी से एक जाउल एनर्जी एक सेकंड में ले रहे हैं तो उसको भी हम वन वाट बोलते हैं एक वाट का मतलब एक जाउल एनर्जी एक सेकंड में हम यूज़ कर रहे हैं वन जउल एनर्जी इन वन सेकंड तो इसके बिगर यूनिट्स मेगावाट किलोवाट तो वन किलो वाट इज़ इक्वल टू द थाउजेंड पार्टस एंड वन मेगा वाट इज इक्व दिन इज टू पावर सिक्स वार्ट वन एच पी देर इज अनदर यूनिट हॉर्स पावर जो हमने जनरली इलेक्ट्रिसिटी की मोटर्स पर लिखा देखते हैं वन एच पी टू एच पी वन पॉइंट फाइव एच पी दट इज द हॉर्स पावर इज़ आलसो द यूनिट ऑफ दी पावर विच इज़ इक्वल टू दैवन फोर सिक्स सेवन हंड्रड फोर सिक्स फोटी सिक्स वाट मीन्स लगभग ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव किलो वाट तो जीरो पॉइंट सेवन फाइव किलो वाट को हम क्या बोलते हैं वन हॉर्स पावर तो अब हम ये वन किलो वाट आवर जो वन किलो वाट आर जो हमने घरों में यूज़ होती है मीटर पे लिखी होती है ये वन किलो वाट आर वो वो की यूनिट्स है या पावर की यूनिट है वो हम पहले देखते हैं इसको हम सेपरेट कर लेते हैं वन किलो वाट इंटू वन आवर तो इसका मतलब क्या है अगर हमने वन किलो वाट की चीज़ को वन आवर के लिए चलाया है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी इसको वन किलो वाट आर एनर्जी कंजम्पशन बोलते हैं अगर हमने एक किलो वाट की अपरेटस को एक किलो वाट के अपरेटस को एक घंटे के लिए यूज़ किया है तो कितनी एनर्जी हमारी खर्च हो जाएगी उसको हम वन किलो वाट आर बोलते हैं तो वन किलो वाट को हम कन्वर्ट करेंगे वन किलो जूल पर सेकेंड वन आर को हम थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड से सेकंड कटने के बाद थर्टी सिक्स हंड्रेड किलो जाउल आ जाएगा तो इसको हम थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रे टू पावर थ्री किलो जाउल एंड थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रे टू पावर सिक्स जाउल भी बोल सकते हैं वन किलो वाट आवर को तो वन किलो वाट आर इज इक्ल थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रे टू पावर सिक्स जाउल तो वन किलो जाउल इज़ टू थाउजेंड जाउल वन वाट आवर इज इक्ल थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स हंड्रेड सॉरी थर्टी सिक्स हंड्रेड जाऊ एंड uh, ये जो वन किलो वाट आर है ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है जो जनरली इंडिया में यूज़ होती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल कैलकुलेशन तो ये थी हमारी पूरी इलेक्ट्रिक करंट पे वीडियो इसका सेकंड पार्ट क्रिच ऑफ स्लाज इलेक्ट्रिकल मैयरमेंट्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो उससे ए, उसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर हम आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए थैंक यू